तो गाइस ये देख रहे हो किसी भी बाइक में ना स्टैंड बिल्कुल भी नहीं लगा और तीनों बाइकों में अबे बैन तो कर रहे कम से कम। तो गाइस देख रहे हो क्या कर रहे, आराम से यार जुनैद मत कर। गाइस यहाँ पे देख रहे हो बंदा कैसे रो रहा है बाइक के लिए। ये देख रहे हो मैं चलता रहा आराम आराम से। ओहो नहीं है, मैंने इधर ब्रेक मारी है कैसे निकल गई पता ही नहीं कुछ लगा। ये है कुछ बाइक का हाल जैसा आप देख सकते हो। तो इतने सारे आपने कमेंट्स किए कि भाई इसे रिमूव कर दो रिमूव कर दो। तो हेयर इज इट, ऐसी लग रही है अभी बाइक। तो अभी का सीन कुछ ऐसा है, सजा निकल गया है आगे और अभी हम जाने वाले हैं ऑफ रोड के लिए। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से, तो करते हैं आज की राइड को स्टार्ट। पहुंच चुके हैं अपनी बाइक पे और अभी आप देख सकते हो यार आप सब ने इतने ज्यादा कमेंट्स किए ना कि भाई यार जो आपका विंडशील्ड है उसकी वजह से व्यू ब्लॉक हो रहा है, तो इसलिए भाई ने विंडशील्ड ही निकाल दिया बाइक की। और आप देख रहे हो कैसी लग रही है लुक भाई बाइक की, तो कमेंट करके जरूर भाई मेरे को बताना कि अब कैसी लुक आ रही है बाइक की, क्योंकि भाई आप ही के बोलने में मैंने इस चीज को रिमूव कर दिया। तो प्लीज कमेंट करके मेरे को जरूर बताना, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो यार। और ऑफ रोड देख सकते हो क्या बढ़िया है, आधा ही रास्ता मेरे को लगता है ये बढ़िया और उधर से आगे ना हालत बिल्कुल खराब होने वाली है। देख रहे हो किस जगह पे हम आ गए भाई, यहाँ पे तो ब्रेक्स भी नहीं लग रही है, पूरी रेत ही रेत है हर जगह पे। ओ भाई चलो चलो आप आगे चलो गाइस आपके। ओ भाई पत्थर तो होंगे ही होंगे, पानी देखना। चलो गाइस हमारे सजाद राइडर, अब तो इनका नाम स्टंटर पड़ गया है आजकल ना भाई, वायरल चल रहा है। क्यों? क्योंकि भाई की बाइक जो सीज हुई थी ना उसकी वजह से ना न्यूज वाले ने इसका नाम सजाद स्टंटर रख दिया। अब देखो हमारे भाई सबसे ज्यादा डेयरिक बंदे सजाद स्टंटर करेगा यहाँ पे कोशिश इस खतरनाक रास्ते से गुजरने की। तो गाइस यहाँ पे भाई भयंकर सीन होने वाला है ऑफ रोड एकदम भयंकर। नीचे का टॉप गया। ओ भाई आराम से पैंट ऊपर खींच ले, अपनी पैंट ऊपर खींच ले आराम से, और पानी ऊपर खींच ले भाई, ये पैंट ऊपर खींच ले गीली हो जाएगी यार। फिर मैं चलता रहा आराम आराम से। ओहो आराम से। और टाइगर की लुक आज न्यू लुक देख रहे हो, कुछ अजीब ही सी लग रही है बाइक गाइस आगे से ना, मतलब एक न्यू लुक आ रही है बाइक में और ऑफ रोड में ना और भी बढ़िया लुक आ रही है देख रहे हो। तो भाई हालत खराब होने वाली है इतना तो मेरे को पता है, और पानी बहुत ही ज्यादा गहरा और ठंडा है इतना भी मेरे को पता है। और अब भाई यहाँ पे क्रॉस करेगा भाई इस वाले ऑफ रोड को, एक सेकंड में आगे जा रहा हूँ भाई। ओ भाई इधर से ओ भाई पानी में पूरी डूब चुकी है बाइक। ओ भाई साहब कर दिया क्रॉस अपनी टाइगर ने भी, ये मतलब दरिया पूरा क्रॉस कर दिया भाई ऑफ रोड में मतलब ना। तब भाई सीन है मेरा शूज़ भी बच गया और मेरी पैंट भी बच गई क्योंकि हालत ख़राब होने वाली थी, और अभी ना कुछ पानी का लेवल जैसे बढ़ गया, शूज़ ना जाने ही वाला, ये देख रहे हो गया एक शूज़ गया पानी में। तो भाई ये ना स्लिप भी बहुत ज़्यादा मार रहा है शूज़ तो जाना ही है, शूज़ ना गया मेरा गाइस, ये देख रहे हो। इतने बचाने की कोशिश करूँ ना आगे फिर भी हालत, आग लगा दी भाई ने आग लगा। तो पूरी बाइक यहाँ पे ड्रिफ्ट मारते जा रही है, बिल्कुल ड्रिफ्ट मारते जा रही है, और यहाँ पे भी रास्ता मैं बोलता हूँ नीचे ही ले जाते हैं आपको। अब एक चीज दिखाता हूँ आपको, ये देख रहे हो भाई पूरी बाइक उछल रही है एकदम ऊपर नीचे, हिस्सा ही ना बुरी हालत है, रेत बहुत ज्यादा है ना तो इसकी वजह से पूरी बाइक ही उछल रही है। तो भाई इस पर ब्रेक भी नहीं लग रही है, बिल्कुल भी ब्रेक अप्लाई नहीं हो रही है, और हिस्सा ही ना पूरा भयंकर हाल है। किधर ले जा रहे हैं भाई क्या हम कुछ पता नहीं है यार, इधर ब्रेक है टोटल नहीं चल रही है। ओ भाई ओ मैं पिछली ब्रेक मारी है पूरी गाड़ी फिसल गई यार, एक जना और नहीं है, मैंने इधर ब्रेक मारी है कैसे निकल गई पता ही नहीं कुछ लगा। चल चल करता हूँ मैं कोशिश यार, मेरा जूता भी पूरा पानी से भर चुका है ना, तो आगे चलते बजाओ तेरी। तो गाइस पूरा टायर ने यहाँ पे ड्रिफ्ट मारते जा रहा है और सजाद का भी मूड साथ साथ खराब। तो भाई यहाँ पे बहुत ही बढ़िया जगह है ना, एकदम मस्त जगह है, अब रे है भाई रे तो पूरा रेत में चल रही है। ओह पूरी बाइक ना ओ भाई चल भी नहीं रही है यार, बाइक चलानी मुश्किल हो रही है यहाँ पे ना एकदम भयंकर सीन है। ओ, 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 वो देख रहे हो सजाद क्या कर रहा है भाई, भयंकर सीन है यहाँ पे ना, पूरी बाइक ही नहीं चल रही है, पूरा टायर यहाँ पे ना स्लिप मारते जा रहा है, पूरा टायर यहाँ पे नाली बनते जा रही है पर बाइक नहीं चल रही है यार। अगली ब्रेक ना यहाँ पे छुआने की नहीं है, अगली ब्रेक दी तो बंदा गया,
भाई इधर पूरा टायर ही फंसते जा रहा है यार। टायर तो पूरा घूम रहा है पर चल नहीं रहा। ओ भाई आराम से इसको क्या हो गया भाई। यहाँ पे तो टोटल ग्रिप ही नहीं, टायर तो मतलब जिम्मा ही नहीं पकड़ रहे। देख रहे हो पूरी नालियाँ बन रही है। ओ भाई हमारी बाइक की ना ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज्यादा है इसलिए संभल भी रही है। यार जुनेद मत कर। गाइस यहाँ पे देख रहे हैं बंदा कैसे रो रहा है बाइक के लिए। चलो पकड़ आगे से, पकड़ आगे से आराम से। भाई थंबनेल के लिए क्या क्या मेहनत करनी पड़ी। यहाँ पे देख रहे पूरा टायर ना रेत में चला गया। जैसे इसने आगे चलाने की कोशिश की ना तो बाइक पूरी फंस रही है। इसको स्टैंड की भी जरूरत नहीं है, स्टैंड की भी जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। रेत में ही धस जा रही है सीधा बाइक के। और मेरी बाइक का देख रहे हैं यहाँ पे पूरी नाली बना दी है वहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं चढ़ रही है बाइक के। और बिल्कुल तबाही वाला ऑफ रोड चल रहा है गाइज यहाँ पे। तो गाइज अभी सीन ऐसा है, ओ भाई देख रहे पानी में से जो होता है ना ग्रीन ग्रीन कलर का एलगी टाइप, वो भी सारी इस पर लग चुकी है। और भाई ऐसे नहीं चढ़ेगी, दोबारा पीछे से लानी पड़ेगी उस साइड से। बाइक ना पूरी मतलब ग्रिप ही नहीं पकड़ रही है। और यहाँ पे पूरी नाली बन रही है, ग्रिप ही नहीं पकड़ रही है भाई। रोक मैं पीछे, और तेरी ऐसी थी तैसी हो, मैं पीछे खींचता हूँ। रोक अबे भाई हो क्या गया, रुक जा कर कर कोशिश। चढ़ गई। ओ भाई आराम से आराम से क्या कर रहा है। अबे बंद तो कर रहे कम से कम, बंद कर। ओ भाई मैंने बोला ये ग्रिप ही नहीं पकड़ रही है, जरा भी ग्रिप नहीं पकड़ रही है यहाँ पे बाइक को यार। बाइक की क्या हालत। अबे ऊपर कहाँ से चढ़ानी है, मुझे उस चीज की टेंशन है। अब क्या करें यार, खड्डे में फंसा दी है बाइक, और निकालूं कहाँ से यार। यार टाइगर ना पूरी फंस चुकी है। ऊपर नहीं रख रहा हूँ मैं। ओह निकल गई फाइनली। वो स्टैंड की भी जरूरत नहीं है इस बाइक को, इसकी बाइक को ना स्टैंड की भी जरूरत नहीं है टूट। ओ भाई इधर देख रहा रेत ही रेत, मेरे शूज देख रहे हैं यहाँ पे। ओए ये देखो डिजाइनर शूज देखो गाइस, डिजाइनर शूज देखो, ये देखो भाई बहुत ज्यादा भयंकर हाल है जूते का। देख रहे हो वहाँ से और भी हमारे छोटे मोटे चुल्लू मुल्लू गाइस आ रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे हमारे चुल्लू मुल्लू गाइस भी आ चुके हैं। और भाई यहाँ पे पूरा ग्रिप नहीं पकड़ रहा है। उस साइड ऊपर नहीं चढ़ेगी, नहीं चढ़ेगी ऊपर, और प्रावा नहीं चढ़ेगी। पूरा जमगट्ठा बना दिया बाइकों का। वाह वाह वाह। तो गाइस ये देख रहे हो किसी भी बाइक में ना स्टैंड बिल्कुल भी नहीं लगा, और तीनों बाइकों में ना इसका किसने स्टैंड लगाया। स्टैंड निकालो इसका, दबा बाइक को, दबा जमीन में, दबे ये इसको हम गाड़ देंगे आज जमीन में। यही पे इस बाइक को ना पूरा गाड़ देंगे जमीन में आज। और भाई आज देख रहे हो सनसेट के वक्त क्या मतलब बढ़िया क्वालिटी आ रही है भाई, वीडियो क्वालिटी। और यहाँ पे कुछ DSLR लेके हमारे गाइस। तो गाइस अभी देख रहे हो बाइक की क्या हालत है। यहाँ पे देख रहे हो पूरा खड्डे बना दिए। अबे तेरी भी फंस गई है, और इसकी देख रहे हो इसकी बाइक तो पूरी दफन ही हो गई है, इसमें रेत में दफन कर दी है बाइक इसकी। तो चलो भाई निकलते हैं। गाइज हेलो हेलो गाइज, कितने फोटो लोगे गाइज हमारे। यार सजाद स्टंटर हैं अब भाई, सजाद ब्लॉगर कोई नहीं बोलेगा। ओ आराम से क्या कर रहा है। ओ गाइज देख रहे हो क्या कर रहा है। ओ आराम से यार, बोल रहा हूँ ना यहाँ पे ग्रिप नहीं पकड़ रही है। उठा बाइक, चल आराम से निकल, आराम से निकल। देख रहे हो रेत पूरी, चैन पूरी रेत से भर गई। चल आराम से, आराम से, आराम से बोल रहा हूँ आराम से। यहाँ पे गिरेगा ना तो पता भी नहीं लगेगा गिरेगा कैसे। गाइस वो देख रहे हो क्या, चल चल के चला रहा है, और अपनी बाइक में इब्रार चला रहा है, और पीछे अपने कुछ गाइस वहीं रह चुके हैं। देख रहे हो पूरे खड्डे बना दिए यहाँ पे, रेत के ना पूरे खड्डे बना दिए। वो बाइक भी पूरी फंस चुकी थी, और देख रहे नीचे से भाई वो क्या बोलते हैं घास वास लग चुका है बाइक को मेरी नीचे से। और सनसेट एकदम बढ़िया आ रहा है भाई, बहुत बुरा सीन है।